नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेमिंग ऑफ ईथर्स। अब तक जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उनमें ये था कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप आता था वो फंक्शनल ग्रुप कार्बनिल या कार्बन के इर्द गिर्द ही था। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है और आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज चलते आ रहे हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो जो है वो काफ़ी सारे बेसिक्स कवर कर चुकी है, उसके बाद ये हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ करते जा रहे हैं आगे ऑनवर्ड। तो ईथर्स फंक्शनल ग्रुप है टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो ईथर को आपने ईथर से रिलेटेड कंपाउंड्स को कैसे नेमिंग करनी होती है। आईयूपैक सिस्टम में ईथर को अल्कॉक्सी अल्केन्स वगैरह के साथ रिलेट किया जाता है, यानी अल्कॉक्सी कहा जाता है कि अल्कॉक्सी मिथॉक्सी इथॉक्सी इस तरह करके नेमिंग करते हैं। जनरल फार्मूला इसका आर ओ आर यानी दोनों तरफ कार्बन की चेन दरमियान में ऑक्सीजन एक फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा होता है। तो बिल्कुल सेम वही रूल जो हम अल्केन से फॉलो करते आ रहे हैं, क्या कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लेनी है जिसमें ज़्यादा ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप भी हमने लाजमी कंसिडर करना है ऑक्सीजन वाला। इसके बाद दी चेन इज नेम्ड अल्कॉक्सी एंड इज ऑलवेज रिटन सब्स्टिट्यूएंट विद दी नंबर स्पेसिफाइंग इट्स पोजिशन। ये सारी चीज़ें जो है रूल्स आपको एक एक एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ आएंगे बजाय इसके कि ये थ्योरी पर दिमाग खा पाएँ। तो ये आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसे हमने कहा मिथॉक्सी मीथेन, दरमियान में ऑक्सीजन और दोनों साइडों पे दो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो ये जो दो लाइनों में फर्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास दो लाइनें जो ड्रा की हुई हैं, ये लाइनें ऑब्वियस और अंडरस्टूड है कि यहाँ पर दो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप हैं। तो एक को मिथॉक्सी कह दिया ओ सी एच थ्री के साथ और दूसरे को हमने कह दिया ये सिंपल मिथेन है, तो ये इसका कॉमन नेम भी कह सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड जो है एक और एग्जाम्पल, इसमें आप देखें ये मिथॉक्सी इतना हो गया, ये इस साइड को आपने कह दिया मिथॉक्सी है कि ओ सी एच थ्री है और इसके बाद ओ के बाद सी एच टू और लेफ्ट साइड पे फिर इसके मजीद आगे सी एच थ्री लगा हुआ, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे इस तरफ से तो मिथॉक्सी कह दिया, इस वाले को इथेन कह देंगे। कहता इथॉक्सी मिथेन नहीं कहना, क्यों नहीं कहना, क्योंकि हमने मिथॉक्सी वाला फंक्शनल ग्रुप का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि मिथॉक्सी इथॉक्सी ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को उसने प्रायोरिटी ऑर्डर में दे दिया। हालांकि जब अल्फाबेटिक ऑर्डर से देखते हैं तो वो इथेन पहले आता है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है मिथॉक्सी इथेन आपने लिखना है। अच्छा, इसके बाद ऑनवर्ड मूव करते हैं नंबरिंग के हवाले से। अगर बात करें अभी तक हमने नंबरिंग की बात नहीं की, थर्ड एग्जांपल में ये बात क्लियर होने जा रही है कि नंबरिंग आपने किस तरह से करनी है। तो फंक्शनल ग्रुप के नियर बाई नंबरिंग करनी है और लॉन्गेस्ट चेन लेके आनी है और सब्स्टिट्यूएंट्स वाला सीन भी होता है यहाँ पर भी। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो बन ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखें थर्ड एग्जाम्पल में नंबरिंग कैसे की उसने, इस केस में नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट की, इसको उसने साइड पर कर दिया, पूरे के पूरे लेफ्ट साइड वाले को उसने कह दिया ये इथॉक्सी है और उसने टू पोजीशन पर जाके अपना सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर दिया, इसको पूरे के पूरे को फंक्शनल ग्रुप को साइड पे कर दिया। क्या कहा, वन टू थ्री फोर, ये चार कार्बन की लंबी चेन बन गई और उसने कहा टू पोजीशन पर इथॉक्सी ब्यूटेन है, तो फंक्शनल ग्रुप को उसने लहरा साइड पर नंबरिंग करके मैंशन कर दिया टू इथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप और साथ ब्यूटेन लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। इसके बाद साइड चेन के बारे में थोड़ा सा एक और एक एग्जांपल रूल से हटके आती है, नॉर्मल से हटके उसकी बात कर लेते हैं। कहता है साइड चेन इज नंबर्ड सेपरेटली एंड नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू पेरेंट चेन। तो ये थोड़ा सा एक और क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पर। ये अल्केन के केस में भी हमने एक एग्जांपल देखी थी, ये ब्रैकेट वाला केस आता है, ये नॉर्मल तो नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन अगर आ जाए तो हाउ विल यू नेम दैट, इसको आप किस तरह नंबरिंग करेंगे, किस तरह नेमिंग देंगे। तो क्या कहता है, जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसको हमने उस तरफ से हमने नंबरिंग दे लेनी है, वन टू थ्री, और अगर उस तरफ से नंबरिंग दें तो क्या बनता है, वन पोजीशन इसे काउंट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट वाली साइड से, वन टू, टू पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट आपका क्लोरीन लगा हुआ है। कहता है वन पोजीशन पर ही क्या है, वन पोजीशन पर एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है जिसे आप क्या कहेंगे, वन पोजीशन पर एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है, किस तरह से उसने वन पोजीशन काउंट की है, इस तरफ से वन और टू, वन पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसे उसने कहा क्लोरो इथॉक्सी, इस पूरे को उसने ब्रैकेट में कर दिया टू क्लोरो इथॉक्सी, टू पोजीशन पर क्लोरीन है और वन पोजीशन पर क्या है इथॉक्सी ग्रुप, और ये लंबी चेन कहाँ से कंसिडर कर रहा है, लेफ्ट साइड से, वन टू थ्री नहीं, इस तरफ से तो बिल्कुल नहीं कर रहा, वन, वो राइट साइड से नंबरिंग कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपके सामने जहाँ पर एरो या कर्सर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर इसको उसने वन कहा, इसको टू कहा। कहता है वन पोजीशन पर इथॉक्सी,
क्लोरोइथॉक्सी लगा हुआ है, वन ग्रुप पर क्लोरोइथॉक्सी है। और ये है क्या, कितने कार्बन की लंबी चेन है, यहाँ पर तो दो कार्बन, इसको तो उसने इसके साथ कंसिडर कर दिया कि ये इथॉक्सी है, क्लोरोइथॉक्सी। और वन टू थ्री इस तरफ देखें तो ये तीन कार्बन की चेन बनती है, उसने इसे कहा कि ये तीन कार्बन वाली चेन को प्रोपेन कह दिया, और इस सारे को उसने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया टू क्लोरोइथॉक्सी कह दिया। ये थोड़ा सा रेयर केस है, आपने देखा मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ गया क्योंकि मेरी इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। तो सच काइंड ऑफ केसेस कैन बी अंडरगो। अच्छा, इसके बाद ऑनवर्ड जो है आपके पास ईथर की साइक्लिक ईथर्स आ जाते हैं, इसको आप किस तरह नेमिंग करेंगे, तो कॉमन नेम्स भी साथ मेंशन कर दिए, चूंकि ये एक हेट्रोसाइक्लिक तरह के कंपाउंड्स की तरफ ये सीरीज निकल जाती है, तो इसमें देख लेते हैं ज़रा क्या हो रहा है। पहला आपके पास एक उसने ट्रायंगल नुमा बना दिया, उसके साइड पे ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन चाहे इसके हेड पे होता, टेल पे होता, लेफ्ट पे होता, राइट पे होता, इट कैन बी नेम्ड, इट शुड मस्ट बी नेम्ड एज ऑक्सीरेन्स और इपॉक्सीथेन्स, इपॉक्सी कंपाउंड्स। सो यहाँ पर ऑक्सीजन जिस तरफ भी जा रहा है तो पोजिशन तो वही बन रही है ना, उसकी सेम पोजीशन है क्योंकि है ही एक इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो इसने इसे कहा इपॉक्सीथेन, ऑक्सीरेन या ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। ये जो ऑक्सा वाला लफ्ज़ है ये मुझे ज़रा ज़्यादा वैलिड लगता है, क्यों, क्योंकि जब हमने हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग की वहाँ पर हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन आएगा उसे ऑक्सा कहेंगे, सल्फर आएगा सल्फा कहेंगे, इस तरह करके हमने बाकी चीज़ें भी डिस्कस की थी। अच्छा, सल्फर को थाया कहना था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है इपॉक्सीथेन हो गया, ऑक्सीरेन हो गया या ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन, उसने कहा ऑक्सा इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ रिलेट कर दिया, और प्रोपेन है या साइक्लोप्रोपेन है, इसमें तीन कंपाउंड्स हैं, तीन सॉरी कार्बन की का रिंग है ये, वन टू थ्री, बिल्कुल तीन कार्बन का रिंग नहीं है। तीसरा तो इसने साथ मैंशन कर दिया, क्या ये ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन किस तरह आ सकता है, वैसे इसमें तो सिर्फ दो कार्बन है, प्रोपेन तो ये नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, साइक्लोप्रोपेन तो हो नहीं सकता। चलें खैर ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पर रिसर्च मैंने नहीं की, आप कर लीजिएगा रिसर्च। ऑनवर्ड चलते हैं, दूसरी जो एग्जांपल है इसमें जनाब क्या है, दूसरी एग्जांपल में नंबरिंग का भी इशू बन सकता है कि नंबरिंग देखें किस तरफ से की है उसने, उसने नंबरिंग जो की वन टू थ्री, टू पोजिशन पर उसने कहा इथाइल है और टू पर ही मिथाइल ऑक्सीरेन है, टू पोजीशन पर इथाइल कौन सा है, उसने नंबरिंग की है नीचे से बॉटम से, वन टू थ्री फोर, ये टोटल चार कार्बन जा रहे हैं इस रिंग, उसने इसको सारे को किया निगलेक्ट, उसने कहा टू पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और टू पोजीशन पर ही एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर कर दिया उसने, टू को इथाइल कह दिया, और ये जो है ये एक साइक्लिक कंपाउंड भी बन रहा था यहाँ पर, तो इसको उसने डायरेक्ट ऑक्सीरेन कह दिया। वही बात के जो हम फंक्शनल ग्रुप सॉरी उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिस्कस कर आए हैं, ऑक्सा से फिर इस तरह करके उसने आयुपै की तरफ चला गया, ऑक्सीरेन कह दिया इसको उसने साइक्लिक कंपाउंड को, यहाँ पर प्रॉपर साइक्लिक प्रोपेन है। अच्छा, इसने क्या कहा, टू पोजिशन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और टू पर ही मिथाइल लगा हुआ है और बाकी जो हिस्सा बचा उसको उसने कह दिया ऑक्सीरेन। फिर इसके बाद ऑनवर्ड अगर मूव करें तो आपके पास एक फाइव मेंबर ड्रिंक है, इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक सॉरी एक हेट्रो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इसे ऑक्सीजन को ऑक्सा कह दिया, साइक्लोपेंटेन कह दिया। ये जब हमने साइक्लिक कंपाउंड सॉरी हेट्रोसाइक्लिक की नेमिंग की थी वहाँ पर ही हमने ये चीज़ें मेंशन की थी, ये सारा नोमेंक्लेचर का तफसील से पढ़ा था, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी इशू बना ये भी हमने वहाँ पर क्लियर किया था। और ये ऑक्सा साइक्लोपेंटेन जो है कि इसमें पाँच मेंबर कार्बन रिंग है लेकिन जो पाँचवा कार्बनर है वो तो ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर लिया, उसको हमने मेंशन कर दिए हुए, तो दिस इज़ द नेमिंग ऑफ ethers, hope so the given example can be easily understood by you people. See you in another video. Okay, thank you, Allah Hafiz.